नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो हमने सिंपल इंटरेस्ट की जो सीरीज चला रखी है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के साथ, वो सब देख रहे हैं और इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। और क्या क्या इसमें लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहां पर देखिए दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक है, वो मैंने शुरुआत में आपसे डिस्कस किया था कि ये जो साधारण ब्याज होता है, ये सिर्फ मूलधन पर ही लगता है, यहां पर ब्याज नहीं लगता है साधारण ब्याज में। और साधारण ब्याज की जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हर साल का जो ब्याज होता है यहां पर समान होता है, यानी कि आप पहले साल भी उतना ही ब्याज प्राप्त करेंगे जितना आप दसवें साल करेंगे, जबकि चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लाला जी के ब्याज में क्या होता है कि आपको ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है, हर साल वो रिवाइज होता रहता है, जितना ब्याज वो बनेगा वो मूलधन में ऐड होगा, फिर उस पर ब्याज लगेगा, इस तरीके से वहां चलता है चक्रवर्ती ब्याज में। जब चैप्टर करेंगे तब देखेंगे, अभी हम जो सिंपल इंटरेस्ट है इसी को ही कंटिन्यू करते हैं इसमें, और देखते हैं कि क्या क्या लैंग्वेज हम लोग देख सकते हैं, ये सब देख रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर के देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भाई, ये स्क्रीन का लफड़ा है भाई, ठीक है, कोई नहीं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000 फॉर 2 ईयर्स गिवन बाय 2 बैंक्स इज रुपीज 25। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दीज बैंक्स। हिंदी में देख लीजिए, दो बैंकों द्वारा दिए गए 5000 रुपए के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर है दोस्तों, वो है 25 रुपए। इस तरीके से लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 5000 रुपए की राशि है, अलग अलग बैंकों में वो जमा करता है और उसको जो डिफरेंस प्राप्त होता है ब्याज का, साधारण ब्याज का, वो 25 रुपए प्राप्त होता है। कुल मिला के कहना ये चाह रहा है, इन बैंकों की जो 10% वार्षिक का अंतर कितना होगा। साफ साफ बोला है कि इनकी जो भी डिफरेंस आएगा वो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन है हमारे 1%, 2.5%, 0.5%, 0.25%, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, ठीक है। तो उस समय मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको साधारण ब्याज का, कि भाई जो साधारण ब्याज होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है SI का मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी कि P(R)(T)/100। कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो साधारण ब्याज होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब दोस्तों, जो सवाल है इसकी आप नेचर को समझिए। मान लो कि आप है, आपने क्या किया, आपके पास 10000 रुपए थे, आपने उन 10000 रुपए का 5000 के 2 टुकड़े बनाए, ठीक है, टुकड़े मतलब 5000 में डिवाइड किया 2 भागों में, और 2 अलग अलग बैंकों में, जैसे आपने SBI में और एक मान लो दूसरा कोई भी बैंक होगा, केनरा बैंक है मान लो, HDFC बैंक है, कोई भी है, तो आपने SBI में जमा कर दिए 5000 रुपए, 5000 रुपए आपने HDFC में जमा कर दिए। इस सवाल का नेचर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो समझना। जब दोस्तों ये कह रहा है कि जो आपने 5000 रुपए दे दिए, 2 साल बाद आप गए, आपको जो भी ब्याज प्राप्त हुआ भाई, SBI से जितना ब्याज प्राप्त हुआ और जो आपका ये HDFC है उससे जितना ब्याज प्राप्त हुआ 2 साल के बाद, तो उस जो ब्याज का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 25 रुपए का, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि जो 25 रुपए का डिफरेंस आ रहा है भाई, वो किसके कारण आ रहा है। जो भी डिफरेंस आएगा दोस्तों साधारण ब्याज में, जो भी डिफरेंस आएगा उसके 3 ही पैरामीटर हो सकते हैं, या तो वो मूलधन के कारण डिफरेंस पैदा होगा, या फिर वो दर के कारण डिफरेंस पैदा होगा, रेट के कारण डिफरेंस पैदा होगा, या फिर वो टाइम के कारण डिफरेंस पैदा होगा। साधारण ब्याज में अगर डिफरेंस पैदा होगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो है इन 3 फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है, मूलधन पर, दर पर और समय पर। सीधी सीधी बात यह है
कि कहीं या तो मूलधन ज्यादा हो जाएगा तो ब्याज ज्यादा मिल जाएगा, कहीं पर मान लो कि समय ज्यादा हम लगा रहे हैं, समय ज्यादा है वहां ब्याज ज्यादा मिल जाएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल ज्यादा होगा दोस्तों तो भी ऐसा ही जो होगा आपका ये ज्यादा होगा। सीधी सीधी बात, अगर प्रिंसिपल ज्यादा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिक्स हैं, आपको ये सब चीजें सोचने आनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो रेट ज्यादा हुआ या फिर रेट ज्यादा होगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट आपका ज्यादा बनेगा। अगर मान लो कहीं पर आपने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट पैसे को ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो भी आपका वहां पर जो साधारण ब्याज है वो ज्यादा बनेगा। तो कुल मिला के जो तीन फैक्टर्स हैं दोस्तों जो एसआई को प्रभावित करते हैं वो ये हैं। अगर यह है हमारे मूलधन, दर और समय। अगर मूलधन ज्यादा हुआ तो भी साधारण ब्याज ज्यादा मिलेगा, अगर दर ज्यादा हुई तो साधारण ब्याज ज्यादा मिलेगा, और अगर समय ज्यादा हुआ तो भी साधारण ब्याज जो होगा वो ज्यादा मिलेगा, सॉरी, ठीक है। तो इसके अलावा हम ये इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं। अगर मान लो दोस्तों मूलधन कम हुआ तो जो ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है, मूलधन कम हुआ, ये जो ऐसा ही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों प्रिंसिपल के। इस तरीके से हम समझ सकते हैं ऐसा ही जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के। अगर प्रिंसिपल जो मूलधन है वो कम हुआ तो ऐसा ही भी दोस्तों क्या होगा, कम होगा, साधारण ब्याज भी कम होगा, ठीक है। ये जो ऐसा ही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों रेट के। अगर दोस्तों रेट कम हुई तो सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज है, ये भी कम होगा, ठीक है। अगर रेट कम हुई तो भी साधारण ब्याज जो होगा ये क्या होगा दोस्तों, कम होगा। और अगर टाइम कम हुआ, ये टाइम भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसआई के, तो जो एसआई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों टाइम के। और अगर टाइम कम हुआ तो एसआई भी कम होगा, टाइम अगर कम होता है तो एसआई भी दोस्तों कम होगा। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए कि एसआई जो है हमारा साधारण ब्याज है, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों तीन ही कारक हैं जो सिंपल इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं, मूलधन, दर और समय। अगर दोस्तों देखिए, दूसरी बात यह है कि जो तीनों कारक है, मूलधन हो चाहे दर हो चाहे समय हो, ये तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, साधारण ब्याज के ये समानुपाती होते हैं। समानुपाती होने का मतलब यह है दोस्तों कि इसके रेशियो में बढ़ते हैं। अगर प्रिंसिपल ज्यादा हुआ यानी मूलधन ज्यादा होता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। अगर दर ज्यादा हुआ, मूलधन कम हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, साधारण ब्याज कम होगा। अगर दर ज्यादा हुई तो साधारण ब्याज ज्यादा होगा, और अगर दर कम हुई तो साधारण ब्याज भी कम होगा। अगर समय ज्यादा हुआ तो साधारण ब्याज भी ज्यादा बनेगा, अगर समय ज्यादा हुआ तो साधारण ब्याज भी ज्यादा बनेगा, और अगर समय कम हुआ तो साधारण ब्याज भी दोस्तों क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है। ये तीनों फैक्टर्स हैं, मूलधन, दर और समय, ये तीन ही पैरामीटर हैं जो हमारे साधारण ब्याज को प्रभावित करते हैं। अब कहीं पर क्या होता है कि मूलधन हम ज्यादा लगा देते हैं, तो सीधी सी बात, अगर मूलधन हम ज्यादा लगाएंगे तो ब्याज ज्यादा मिलेगा। आप किसी को, मान लो एक आदमी है, आपने किसी को 5,000 रुपए दिए और आपने दूसरे पर्सन को 2,000 रुपए दिए, तो सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि जो जहां पर आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसको आपने 5,000 रुपए दिए हैं, उससे आपको ज्यादा ब्याज प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मूलधन ज्यादा हुआ यानी कि जहां 5,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए वहां से ब्याज ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। और 2,000 रुपए दोस्तों कम मूलधन है 5,000 के कंपेरिजन में, तो जहां पर ब्याज कम होगा वहां से आपको कम साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अगर मूलधन कम दिया आपने, कहीं पर प्रिंसिपल कम लगाया, मान लो आप दो पर्सन है ए और बी, आपने मान लो यहां 5,000 रुपए दिए ए को और बी को आपने 2,000 रुपए दिए, तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पर प्रिंसिपल ज्यादा है ए को आपने प्रिंसिपल ज्यादा है ए के पास, तो यहां से आपको ब्याज भी ज्यादा ही प्राप्त होगा। और यहां से जो बी है इसके पास प्रिंसिपल कम है, जो मूलधन है वो कम दिया आपने, इसको 2,000 रुपए दिए हैं, तो यहां से जो ब्याज प्राप्त होगा वो कम प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरी बात आती है टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। आपने मान लो जो भी रुपए हैं, जैसे 5,000 रुपए हैं, दोनों को 5,000 रुपए आपने दे दिए, जैसे सवाल में भी है, मान लो दोनों को ही आपने 5,000 रुपए दे दिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने क्या किया, एक को तो 5 साल के लिए दे दिया और दूसरे को 3 साल के लिए दे दिया, ठीक है। तो जहां पर देखिए दोस्तों टाइम ज्यादा लगेगा,
जहां पर टाइम ज्यादा ज्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट होगा जहां पर भी, वहां से आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहां से ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा और यहां से ब्याज आपको तीन साल वाला ब्याज आपको कम मिलेगा। सिंपल सी बात है, यानी कि कुल मिला के फंडा यह है कि जहां पर समय ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट होगा वहां से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, यानी कि ज्यादा ब्याज मिलेगा। सिंपल सी बात है, यही टाइम की बात है। अब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात। मान लो ए को आपने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा दिया और बी को आपने मान लो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा दिया, तो और सब चीजें चाहे सेम हो, चाहे मान लो मूलधन सेम होगा, दर समय भी सेम होगा, लेकिन मान लो कि 5,000 रुपए दोनों को दे दिया आपने, उनको कहा कि भाई 2 साल बाद आप मेरे को लौटा देना। ठीक है, तो 2 साल बाद आपने कहा कि मेरे को लौटा देना, तो टाइम भी यहां पर सेम हो गया, मूलधन भी सेम हो गया 5,000 रुपए। अब एक को तो आपने क्या किया, एक को तो कह दिया कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा भाई तेरे, दूसरे को कह दिया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो जहां पर देखिए दोस्तों दर ज्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां ज्यादा होगा वहां से आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो ये तीनों ही कारक है, मूलधन, दर और समय, ये तीनों ही डायरेक्टली हमारे जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसको प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको जो 10% देंगे वहां से ब्याज ज्यादा मिलेगा, 5% से ब्याज कम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों जो बस बात इतनी ही है, कुल मिला के 10-11 मिनट का जो निचोड़ है वो यही है, और इस सवाल का निचोड़ भी यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो साधारण ब्याज है वो हमारे तीन ही फैक्टर्स है, मूलधन, दर और समय, इन तीनों पर डिपेंड करता है। साधारण ब्याज एक आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, इन तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है बेसिक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दोस्तों जो दिया गया है, पहले तो मैं बात करता हूं थोड़ा डिटेल मेथड की, कि थोड़ा सा डिटेल मेथड जिसको मान लो करना हो, जिस भी भाई को, वो देख ले एक बार, थोड़ा सा समझ ले। भाई मैंने कहा है कि जो साधारण ब्याज होता है दोस्तों, SI जो है ये होता है PRT/100। दिए गए सवाल में दोस्तों क्या है, सिंपल सी बात है कि जो मूलधन है दोस्तों, दो बैंकों को दिए गए 5,000 रुपए की, यानी कि दो बैंकों को वो अलग अलग 5,000 रुपए दे रहा है, 2 साल के लिए वो पैसा दे रहा है, तो टाइम हो गया 2 साल का, मूलधन हो गया मेरा 5,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेरे को पता नहीं है यहां पर। ठीक है, और जो अंतर बोर्ड है SI का वो है 25 रुपए। पहले तो मैं पहले बैंक का, यानी कि ए बैंक का जो है ना, ए बैंक, ठीक है, ए बैंक, कोई भी ए बैंक होगा, मान लो मैं सीधा सीधा लिख दूं, मान लो कि आपने दो बैंकों को पैसा दिया, एक तो SBI को दे दिया और एक दे दिया आपने HDFC को। मान लो आपने SBI बैंक में जो 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, 5,000 गुना दर कितनी है दोस्तों पता नहीं है, तो इसकी बोल देते हैं हम R1 और इंटू टाइम, टाइम 2 साल लग रहा है तो 2/100, ये साधारण ब्याज मेरे को मिल गया, ये साधारण ब्याज मिल गया। HDFC में आपने 5,000 रुपए लगाई, दर का पता नहीं है तो R2 बोल देते हैं इसको, और टाइम क्या हो गया दोस्तों, ये डिटेल मेथड है, टाइम है 2 साल का। ठीक है, 2 साल के लिए लगा रहे हैं 200। अब ये कह रहा है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, अंतर है दोस्तों, वो है 25 रुपए। ये सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई, ठीक है, वो कल को 50 रुपए बोल सकता है, 100 रुपए बोल सकता है, ठीक है, सवाल की लैंग्वेज है 25 रुपए। हमने डेटा रख दिया एज इट इज, हमने क्या किया, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 निकाला। अब मैं जब इसको सोल्व करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास मिलता है 5,000 गुणा 2/100, ये मैं अगर कॉमन ले लेता हूं तो मेरा R1-R2 आता है और इधर आ जाता है 25। आप अगर इनको काटते हैं तो 25×50, यानी कि 1/4, अगर ये दो को नीचे लेके जाएंगे तो यहां से जो R1-R2 मिलेगा दोस्तों, ये आएगा 1/4, यानी कि अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, जो आपका आंसर है। ठीक है, R1-R2 क्या है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दर का अंतर है। यही भी पूछा है कि दर परसेंट का अंतर क्या है वार्षिक, ठीक है, दर का अंतर कितना है, यही हमारा सवाल पूछा है हमसे,
R1 माइनस R2 की वैल्यू ही पूछा है, दर का अंतर पूछा है हमारे को, R1 माइनस R2, ठीक है, ये आपको बताना है। ये तो है दोस्तों डिटेल मेथड कि आपने मूलधन दर और समय बटे 100 किया, आपने पहले बैंक का निकाला ब्याज, दूसरे बैंक का ब्याज निकाला, घटा दिया, अंतर निकाला और जो भी इसको सोल्व किया, कैलकुलेशन है, आराम से आप सोल्व कर रहे होंगे और आराम से उत्तर निकाल रहे होंगे। ये तो है देखो डिटेल मेथड। अब मैं आपको बात करता हूं जो हमारे को करना है, ठीक है, ये समझा देते हैं क्योंकि आपका इससे थोड़ा बेसिक सही हो जाएगा कि कैसे सोचते हैं उस बारे में। दोस्तों मैं आपको अभी बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज है, ये होता है पी आर टी बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मैंने अभी अभी आपको यह भी बताया कि जो साधारण ब्याज है वो हमारे तीन ही फैक्टर्स है, मूलधन, दर और समय, इन पर डिपेंड करता है, सीधा सीधा इन पर डिपेंड करता है। अगर ये ज्यादा हुए तो सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है वो हमारे को ज्यादा प्राप्त होगा, और अगर ये कम हुए तो सिंपल इंटरेस्ट है वो कम प्राप्त होगा, इतनी सी बात है बस, ठीक है। अब दोस्तों जब मैं सवाल को देखता हूं तो मेरे को पता है कि भाई जो मेरा मूलधन है वो 5,000 रुपए है, यानी कि मेरा मूलधन क्या है दोस्तों, कॉन्स्टेंट है। जो दोस्तों मूलधन है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, फिक्स है, और जो भी दोस्तों वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट जो वैल्यू होती है उसका हमारी कैलकुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसका हमारी कैलकुलेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, समझना इस बात को आप। हमारा जो मूलधन है वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पर। दूसरा है टाइम, टाइम दोनों बैंकों को ही दो दो साल दिया हमने, तो टाइम भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। जो समय है दोस्तों ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट वैल्यू का कैलकुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मेरा जो प्रभाव आएगा वो दर के कारण आ रहा है भाई। अगर मान लो मेरा मूलधन सेम है, समय सेम है, और फिर भी मेरे को साधारण ब्याज में अंतर प्राप्त हो रहा है, तो किसके कारण अंतर प्राप्त हो रहा है, दर के कारण। दर ऊपर नीचे हो रखी है, ठीक है। मैंने भी अभी आपको बताया कि 10% से अगर आप किसी को पैसा देते हैं उधार, और किसी को 5% से देते हैं, तो 10% से जो भी पैसा आपने उधार दिया वहां से साधारण ब्याज आप ज्यादा प्राप्त कर रहे होंगे। तो अगर आपका मूलधन और समय सेम है तो भी, तो अगर दोस्तों आपका मूलधन भी सेम है, दोनों को दिया गया मूलधन सेम है, दोनों को दिया गया टाइम सेम है, समय सेम है, और फिर भी अगर आपको साधारण ब्याज में अंतर प्राप्त हो रहा है, तो सीधा सीधी बात यह है कि वो जो अंतर है वो दर के कारण क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया। समय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये भी कॉन्स्टेंट हो गया। तो जो भी डिफरेंस पैदा हो रहा है वो दर के कारण पैदा हो रहा है, यानी कि दर ऊपर नीचे हो रखी है दोनों बैंकों की, किसी को 10% से दे रखा है तो किसी को 8% से दे रखा होगा, यानी कि दर है वो ऊपर नीचे है। कुल मिला के इतना सा फंडा यहां से क्लियर होता है कि अगर हमारा मूलधन भी सेम है, समय भी सेम है, फिर भी हमारे को ब्याज में अंतर प्राप्त हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि दर में अंतर है, दर में अंतर है, ठीक है। तो ये तो है सोचने का तरीका। अब वो कह रहा है कि साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 25 रुपए है। अब आप देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बेसिक बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है साधारण ब्याज, उसमें हर साल का जो ब्याज होता है वो समान होता है, ठीक है। जब 2 साल का ब्याज दोस्तों, अब आप ऐसे सोचिए कि क्योंकि 2 साल का जो ब्याज है, 2 साल का ब्याज है वो है 25 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई, 25/2, यानी कि 12.5 रुपए प्राप्त हो जाएंगे आपको, ठीक है भाई। ये आपको 1 साल का ब्याज आ गया। 1 साल का ब्याज आने का मतलब है दोस्तों कि आपने, आपके पास मूलधन तो है ही, मूलधन आपके पास है ही, ब्याज आपके पास आ ही गया है। ये देखिए जो ब्याज आया है दोस्तों, ये क्या है, ब्याज का अंतर हम लेके चल रहे हैं। अगर देखिए दोस्तों, हम ब्याज लेके चलेंगे तो आगे जो दर ही मिलेगी, मैं जो बात बताना चाह रहा हूं वो समझिए। अगर आप यहां से देखिए दोस्तों, ब्याज लेके चलेंगे क्वेश्चन में तो आगे मिलेगी आपको दर, और अगर आप ब्याज का अंतर लेके चलते हैं तो आपको दर का अंतर मिलेगा, दर का जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा, यानी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। ये एक कहावत है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ हिंदी में कहावतें हैं,
वो देख लीजिए, अगर आप ब्याज लेके चलोगे तो दर ही मिलेगी, और अगर आप ब्याज का अंतर लेके चलोगे तो दर का अंतर आपको मिलेगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप यहां पर अंतर लेके चल रहे हैं तो आगे भी आपको दर का अंतर ही मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो सीधा सीधा सवाल की लैंग्वेज यही आती है, मैंने तो यही देखा है, सीधा सीधा वो बोलता है कि दर ब्याज का अंतर यह है तो दर परसेंट का अंतर बता दो। तो आप ब्याज का अंतर लेके चलो तो दो साल का ब्याज का अंतर जो है दोस्तों, ब्याज का अंतर अंतर है भाई, है ना, डिफरेंस है वो 25 रुपए, तो एक साल का ब्याज का अंतर हो गया 25/2 रुपए, ठीक है। मूलधन क्या है भाई, 5,000 रुपए। तो बस वही है कि भाई 25/2 रुपए ब्याज हमने कमाया किस पर, 5,000 पर, तो 100 पर कितना। और ये सारा कारनामा कब हो रहा है, 2 साल में हो रहा है। लेकिन हमने क्या निकाला है दोस्तों, हमने एक साल का ब्याज निकाल लिया है। ये क्या है, एक साल का ब्याज का अंतर है, तो समय हो गया दोस्तों 1 साल, ठीक है। यानी कि 1 साल में 25/2 रुपए हमने कमाए हैं, किससे, जो अंतर है वो कितना है, 25/2 है, किस पर, 5,000 पर। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे, देख लेते हैं एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई नहीं, नहीं दिख रहा, तो यहां देख लेते हैं, 25/2 रुपए कमाए आपने किस पर, 5,000 पर, तो 100 पर कितने, ठीक है भाई। और ये सारा कारनामा हो रहा है 1 साल में, 1 साल का ब्याज का अंतर ही तो भाई 25/2 है, ठीक है। 1 साल का ब्याज निकाले आप, 2 बिंदी से 2 बिंदी गई, 25 × 50, यानी कि 1/4 मिल गया, और 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 0.25%। तो यही बस कैलकुलेशन होगी आपकी, जब एग्जाम में आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो ये कैलकुलेशन आप कर रहे होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा समझाने में स्टार्टिंग में क्या होता है कि चीजों को समझना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बताना पड़ता है। बाकी जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यही तरीका, आप इतनी सी में यही लिखोगे सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए कि भाई 2 साल का ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज का अंतर 25/2 कितने पर, 5,000 पर, तो 25/2/5,000 × 100/1, ठीक है, जो भी है ये आप कर रहे होंगे। आपको दोनों ही तरीके मैंने बताए, डिटेल मेथड भी बताया और ये भी बताया कि इसको कैसे सोचते हैं कि भाई 2 साल का ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज का अंतर 25/2 कितने पर है, 5,000 पर, ठीक है, क्योंकि दोनों को आप 5,000 रुपए ही दे रहे हैं, ठीक है। तो दो बैंकों द्वारा दी गई 5,000 रुपए के अंतर है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स गिवन बाई 2 बैंक, ठीक है, इज 25। तो इस तरीके से भी आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जो साधारण ब्याज का जो अंतर है, देखिए यहां पर मूलधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का सेम ही है, दर परसेंट के कारण प्रभाव आ रहा है, तो दर चेंज हो रही है इसलिए सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है, ठीक है, दर चेंज हो रही है इसलिए सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है दोस्तों, सवाल को करने का तरीका यही होगा कि 2 साल का जो ब्याज है उसका अंतर अगर 25 रुपए, तो 1 साल के ब्याज का अंतर 25/2 कितने पर है, 5,000 पर, बटे 5,000 × 100, और ये सब 1 साल में हो रहा है, 1 साल का ब्याज का अंतर ही हम निकाल रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। ये चीजें मैंने अभी आपको समझाने के लिए जो बेसिक है वो बताया है, ये चीजें हमारे आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें काम आएंगे, कहीं ना कहीं देखिए ढांचा है ये, अगर सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है और आपका मूलधन सेम है, समय भी सेम है, तो सीधी सी बात है कि दर कहीं ना कहीं वेरी कर रही है, ठीक है। अगर दर सेम हो, मूलधन सेम हो, तो कहीं ना कहीं समय वेरी कर रहा है, और अगर मान लो दर भी सेम हो, समय भी सेम हो, तो कहीं ना कहीं फिर मूलधन वेरी कर रहा होता है, मूलधन अलग होता है, ठीक है। तो बस इतना ही है, और अभी आप इन जो बताई गई बातें हैं उनको ध्यान से समझिए, चीजों को करिए, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब उसमें अच्छे से और देखेंगे, जो भी चीजें बताई गई हैं दोस्तों उनको अच्छे से पढ़िएगा, और क्वेश्चन यही आते हैं, आप इन्हीं को 4-5 बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मैथ में, रीजनिंग में, इस चैनल से बाहर कुछ भी नहीं होगा, एक दिन ऐसा भी आएगा और जल्दी आएगा, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे, बाकी पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।